देवभूमि व बीरभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट विश्व चक्षु द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने जवाब भेज दिया है। अपने जवाब में उन्होंने मामले पर सफाई पेश की है। उर्मिला मातोंडकर ने अपने लीगल एक्सपर्ट के जरिए धर्मशाला से भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा है कि हिमाचल पवित्र और महान राज्य है। हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के खिलाफ उन्होंने कोई भद्दी टिप्पणी नहीं की है और न ही निंदा करने वाला बयान दिया है। अभिनेत्री उर्मिला ने कहा कि उनका हिमाचल के भोले भाले लोगों को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उर्मिला ने अपने बयान के स्पष्टीकरण में एडवोकेट विश्व चक्षु को स्पष्ट किया है कि उनके बयान का इरादा समाज के असामाजिक तत्वों व ड्रग माफिया को लेकर था, जो कि देश की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल के लोगों की भावनाओं को वे बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। गौर हो कि एडवोकेट विश्व चक्षु ने ड्रग से जोड़कर हिमाचल पर दी गई टिप्पणी पर उर्मिला को कानूनी नोटिस भेजा था। इसके बाद 2 हफ्ते के अंदर उर्मिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब भी भेज दिया है। बॉलीवुड में ड्रग को लेकर छिड़े विवाद को लेकर अभिनेत्री उर्मिला ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया था, जिससे समूचे प्रदेश भर में अभिनेत्री के खिलाफ लोगों में आक्रोश था। इसी बात को लेकर देवभूमि बीरभूमि हिमाचल के धर्मशाला से अधिवक्ता विश्व चक्षु ने कानूनी नोटिस भेजा था। इसी के जवाब में उर्मिला ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश यहाँ के लोगों व उनकी विश्वसनीयता को पूरे विश्व की नजरों में गिराने का कोई इरादा नहीं था। उर्मिला ने कहा कि बयान में हिमाचल को लेकर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही थी, जिससे कि पवित्र राज्य के पर्यटन को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी नजर में देश के सभी राज्यों सहित हिमाचल भी पवित्र राज्य है। अधिवक्ता विश्व चक्षु का कहना है कि हिमाचल को लेकर दिए गए बयान से पूरे राज्य के लोग आहत थे, जिसे लेकर लीगल नोटिस भेजा गया था। और मिला मातोंडकर ने बयान को लेकर जवाब दिया है, जिसमे उन्होंने हिमाचल को महान व पवित्र राज्य कहते हुए कहा है कि यहां लोगों की भावनाओं, पर्यटन, पवित्रता व विश्वसनीयता को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। विश्व चक्षु ने कहा कि वे अब कोर्ट में केस नहीं करेंगे, लेकिन आगामी समय में भी उन्हें शब्दों को सही से प्रयोग करने का मशवरा अवश्य देंगे। श्रीमती उर्मिला मातोंडकर जी ने अपने वकील साहब के माध्यम से मेरे उस लीगल नोटिस का उन्होंने मुझे रिप्लाई भेजा है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पवित्र और महान राज्य कहते हुए ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के और हिमाचल का और हिमाचल प्रदेश के लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना उनकी इंटेंशन नहीं था और ना ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ कोई भी डेफामेटरी स्टेटमेंट दी थी, ना ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश की क्रेडिबिलिटी को, करेक्टर को जनरल पब्लिक में उन्होंने लोअर किया है, स्कैटर्ड किया है, डाउन किया है। उन्होंने इस लीगल नोटिस के जवाब के माध्यम से उनके वकील साहब ने ये भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर जो वो बयान दिया था, वो बयान उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स और ड्रग डीलर्स के खिलाफ दिया था, जो हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा इस जवाब में उन्होंने, इस लीगल नोटिस के जवाब में उन्होंने मुझे स्पष्ट किया है। सर, आगामी भी कोई कार्रवाई रहेगी इसके? आगामी इसमें, इस जवाब में उनका जो वर्जन है वो आ गया है। अगली रणनीति जो है वो लीगल, जो भी विचार होगा वो अगली हम कार्रवाई अपने मेंबर्स के साथ मिलकर करेंगे कि अब इसमें आगे क्या करना है।